दादी हम भी ना एक नंबर के पता ना हमार मुँह से ना कुछ भी निकलत रहेला। अरे हमरा ना देखे के मम्मा। बस चुपचाप खड़ा रहा और अगर एक भी शब्द बोलू ना तो हमरा से चाटा खेबू। ये देखा हमरा ना देखे हाथी चेकर चलो फोटो देखा ये देखा। हाँ दादी ये देख रहे बानी आप ये दोनों कितना अच्छा लगे ना प्रीता दीदी के साथ। प्रीता दीदी के बुला लेता नहीं और जे शादी के प्रोसेस बाना मामा ये जल्दी मतलब फटाफट शुरुआत कर देता नहीं। हाँ अरे इतना जल्दी का बा। अरे दादी हमरा कितना बहुत ही जल्दी बा इधर बचपन से हमार ख्वाहिश रहे प्रीता दीदी के शादी में कमाल धमाल धमाल वाला डांस करम। चला वन आज ना चली पालक सूप आपके पिए के ही पड़ी। आई हेट पालक सूप कितना गिरगिला ओखेला ची। अरे लेकिन आपके बोन्स और लेग खातिर बहुत ही अच्छा ओखेला और दादी हमें नींबू निचोड़ ले है कितना टेस्टी बा। ये बच्चा वाला जिद छोड़ी और चली पी। हम जिद छोड़ दे पर तू जबरदस्ती मत करा दादी। व्हाट दादी वो करण भाई के शोल्डर में चोट लागल बा वो वेट लिफ्ट करत रहलन आई थिंक उनका स्प्रेन आ गेल बा कैन यू प्लीज कम एंड चेक। ओ ले ले चले चले क्रैक। अरे इमरजेंसी बा बेटा जा ओकरा दर्द हो रहला बेटा जा। अच्छा ठीक बा हम जाके देखत हैं पहले आप ही फिनिश करी। हां ओके पक्का 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 हम आके अभी चेक करत हैं। हां ऑलराइट ओके पक्का पक्का सारा खत्म कर दे प्लीज प्रीता प्लीज। चला चला भाई अब ठीक बानी ना यार हमार शोल्डर ये तब ऐसा लिटिल बा बिना शर्ट के हम ऐसे कैसे। इट्स ओके प्रीता एकरा पेशेंट की तरह ट्रीट करा इट्स योर ड्यूटी। उधर दूध बा प्रीता जी आप रुक काहे गई नहीं आप जल्दी चेक करी भाई की बहुत दर्द होता प्लीज। चला चला सर उठ के बैठा। समीर आई टोल्ड यू आई एम फाइन हम किसी को ना डॉक्टर की जरूरत नहीं। भाई अब रिलैक्स करें प्लीज उठा प्लीज इजी 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 आराम से आराम से। प्रीता जी के लेफ्ट शोल्डर ओके आउच काफी ज्यादा दर्द बा। समीर ऐसा करे तो हॉट वाटर बॉटल ले आवा एगो आइस पैक और कोनो मसल्स रिलैक्स स्प्रे जल्दी लावा। और कुछ हो बस ना तब तक हम इफेक्टिव एरिया प्रेस करके देखा थे एक सेकंड यहां भी देखो ओके ओके फाइन फाइन सॉरी जस्ट ट्राई टू स्ट्रेट योर बैक। थोड़ा ठीक से बैठा या तरह ऊपर गिरे के शौक नहीं किया हमरा ऊपर दर्द ना होता हम तार हेल्प भी ना लेती। आउच इतना बुरा स्प्रे आइल बा हमके तो समझ में ना आ रहल बा कि तो की सब करे के काय जरूरत रहे जब तरह से वेट्स नेखी होवेला तो हर बस की बात ना बात तो नेखी करे के चाहिए। अगर ऐसा शौक बा तो पहले जिम में जाके सीखिया वा ना कैसन करत है इसे सुपरमैन बनने से का फायदा। आका दिखा रहल बाड़ा हम तो हर डॉक्टर हैं और एक डॉक्टर के फर्ज होखेला कि अपन पेशेंट की गलती के ओकर एहसास दिला। व्हाट प्यास लागल बा ओह तो ऐसे बोला ना पीला पानी पिए से कोनो मना ही ना बा। मना करबू ना तब भी हम पियब पता बा काहे पिया तनी अपन गुस्सा के पिया तनी एकरा साथे ताकि तू छोड़ा या तार प्रॉब्लम का बा तू बाड़ू हमार सबसे बड़ प्रॉब्लम हम इतना बेवकूफ नहीं की अच्छा तरह से जान ली तेरा के तो इतना जोर से दबाओ ताकि ताकि हम के और दर्द हो के
काहे कि जब तक हमके ज्यादा दर्द न होई हमार चीखे ना निकली ना तहार कलेजे के ठंडक ना पहुंची। अच्छा ठीक बा, नेके दबावत है। जब तक शोल्डर के दर्द बढ़ के पूरा पीठ फैल जाए ना, उठ भी ना पेबा, फिर हेल्प खातिर मत आइया। नाइब तारा बस तारा वापस बुलावे के कोनो शौक नहीं किया। तोरा से कोनो काम ढंग से होखेला ना, पानी पी सकेला ढंग से, ना वेट उठा सकेला ढंग से। प्रीता तो हद पार कर देली, दोनों भाई के साथ खेल खेल रहल बाड़ी। पहले ऋषा और अब करण के अपन जान में फंसावे की कोशिश कर रहल बाड़ी। एकरा तो हम सबक सिखा के ही रहब। ओ बब, पानी गिरल रहे तब पैर फिसल गई। यू शुड बी अब प्लीज तू जरा ठीक से बैठ बा, तम तो ट्रीटमेंट करी वरना हमना सारा घर के लोगन की यहाँ पे ले आए और फिर तो के हमार डांटना, सबके डांट खाए के पड़ी। हम तो हर डॉक्टर ही, लेकिन अच्छा पेशेंट के तरह हमार बात सुना और जो तो हर फालतू बकवास बाना हिया वाके एक से म्यूट मोड पे डाला। ठीक से बैठा चला। उनके दर्द होत बा ना तो तरह एक मिनट भी झेल ना सकेली हम। थैंक गॉड, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा ना हो रहा है। ऑल राइट चला अभी ठीक से बैठा और जस्ट ट्राई टू लिफ्ट योर आर्म। काश ऋषभ भी हमरा पे ऐसे ही गिर जाए, लेकिन हम ही बेवकूफ प्रीता के तरह ओकरा दूर हटे खातिर ना करती। हम तो ओकरा इतना जोर से टाइटली हक करती कि वो हमरा से कबो अलग ही ना हो पा, सिर्फ हमारे पास खींचा चला। मैम हमके दीदी। हाँ थैंक यू, वेलकम मैम। आई थिंक आई नीड, आई एम जस्ट सॉरी। तू वापस मुंह उठा के आ गई लू बिन बुलाए बेशरम मेहमान की तरह। आज तो यहाँ पर कोनो इवेंट ही नहीं के फिर यहाँ का करत बाड़ू तू। एक मिनट, तू दोनों बहन के ना हम अच्छा तरह से जाने नहीं, रग रग से वाकिफ बानी तू दोनों के। आपन हरकत पे पर्दा डाले खातिर तू दोनों कौन हद तक झूठ बोल सकेलू सब जाने नहीं हम। हो गए आपके बोल के या और कुछ जहर उगलल बाकी बा? तमीज से बात करा। अगर आप तमीज से पेश आई ना तो हमारा के बदतमीजी पे उतरे की जरूरत ना पड़त। और हाँ, दोसर पे इल्जाम लगावे से पहले अपन गिरेबान में झांक के देख ली मैडम, दैट्स इट। उ जे तोहार बॉस बाड़ी ना, ओकर कॉन्ट्रैक्ट तक गई और तार पता बा काहे? काहे कि हमरा के ओकर जी असिस्टेंट बाड़ी ना सृष्टि अरोड़ा ये बिल्कुल पसंद नहीं के, और ओकर बहन ओकरा से हम नफरत करें काहे कि उ हमार ऋषभ के एंगेजमेंट फंक्शन के बर्बाद कर देगी। आउट, इट्स ओवर। करीना दी, आपके जानकारी खातिर आपके ई बता दी कि ऋषभ के शादी में जब फ्यूज बर्निंग के एक्सीडेंट पहल रहे वो में ना ही सृष्टि और ना ही प्रीता के कोनो हाथ बा, उनकर कोनो गलती ना रहे। यही खातिर हमार परिवालन ने फैसला कर ले है कि उनकरा बाइज्जत वापस बुलाएल जाए और वो आ गए ले। हाँ प्रीता तो अब काम पे लग चुकल बाड़ी, रहल बात सृष्टि के तो सृष्टि भी बहुत जल्द अपन काम शुरू कर दी। भाभी आप अच्छा तरह से जानी नहीं, हमरा प्रीता बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो तो मॉम के ट्रीटमेंट खातिर हमरा के ओकर जरूरत बा, ऐसे ओकरा बर्दाश्त करता नहीं। ये सब तो ठीक बा, लेकिन हमने एकर का जरूरत, एकरा से बेटर एम्प्लॉयज हमने के मिल जाइए और बेटर इवेंट मैनेजर ऑल्सो के वो और क्या हायर कर ले बा हमने। दीदी ऋषभ हमके साफ साफ कह दे ले बा कि आपके चाहे पसंद आए या ना आए, सृष्टि और प्रीता के एक घर में आए के पूरा पूरा अधिकार बनेला। वो दोनों यहाँ आई है और अपन काम भी करी है। फाइन, लेकिन आज ही यहाँ का कर रहल बाड़ी, आज तो इवेंट नहीं है, फिर यहाँ का है अलबाड़ी। पूरा की आंटी हम दी के यहाँ से लेवे अलबानी, कब से उनकर फोन पे फोन कर रहा नहीं, नॉट रीचेबल आ रहल बा और बाहर बहुत बारिश हो रहल बा। जा प्रीता अंदर बाड़ी जाके ग्रह से मिल ला। थैंक यू आंटी।